हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि पाइथन में हम इस तरह का पैटर्न कैसे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए, फिर यहाँ बी बी, फिर सी सी सी, फिर डी 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 डी, फिर ई ई। ऐसे करके हमें यूजर से एंटर करवाना है। यूजर ने एंटर किया कि हमें 5 रोज चाहिए, तो कितने हो जाएंगे, ए बी सी डी और यहाँ ई भी हो जाएगा, और यहाँ पर 5 बार ई लिखा हुआ आएगा। तो ऐसा पैटर्न हमें बनाना है। करना क्या होगा, आपको पता है कि पाइथन पर हम कभी भी क्या लिखते हैं, जैसे कुछ भी हमें करना हो। यहाँ पर देखिए मैंने पैटर्न बना के पहले से रखा हुआ है, मैं इसको कट करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पैटर्न हम पहले कैसे बनाएंगे। सबसे पहले पाइथन का आईडीई ओपन कर लेते हैं हम, तो यहाँ पाइथन का आईडीई है, इसको ओपन कर लिया हमने। अब यहाँ पर हमें मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ, यहाँ पर हमें कोडिंग करनी है। ठीक है, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। कौन सा वेरिएबल बनाएंगे, उस वेरिएबल का नाम है, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, मैं यहाँ जेड लेता हूँ। Z इज इक्वल टू इंट इनपुट, ठीक है, इंट लिखा हमने, ब्रैकेट लगाएंगे, अब इनपुट, ठीक है, इंट इनपुट कर दिया हमने। इसके बाद लिखेंगे यहां पे क्या हमें देखना है स्क्रीन पे, एंटर द नंबर ऑफ रोज, ये हमें स्क्रीन पे दिखना चाहिए, ये लिख दिया हमने। ठीक है, और यहां से क्लोज करेंगे ब्रैकेट को, चूंकि दो बार हमने ब्रैकेट ओपन किया है तो दो बार क्लोज कर देते हैं। इसके बाद एंटर करके नीचे आएंगे, जब नीचे आएंगे तो यहां पर हमें एक स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कराने के लिए लूप लगाना होगा। यहां मैं लूप लगाता हूं, फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप लगाने के बाद आपको क्या करना है, एक और वेरिएबल बना लेते हैं हम आई, ठीक है, कौन सा वेरिएबल बनाएंगे, आई, आई लिख लिया हमने, और यहां इन रेंज, रेंज फंक्शन यूज करेंगे यहां पर। और इसके बाद आपको क्या करना है, Z की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, तो यहां Z की वैल्यू प्रिंट होगी। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, Z की वैल्यू को प्रिंट करेंगे, यहां कोई ब्रैकेट नहीं रहेगा। ठीक है, तो Z की वैल्यू यहां प्रिंट होगी, और इसके बाद यहां लगाएंगे हम कोलन, ठीक है, एंटर करके नीचे आएंगे, जब नीचे आएंगे तो यहां पर हमें क्या प्रिंट करवाना है, यहां लिखेंगे प्रिंट, ठीक है, और प्रिंट में क्या देंगे, हम प्रिंट में देंगे सी एच कैरेक्टर, सी एच आर, आपको ध्यान रखना है सी एच आर ही लिखना है, सी एच ए आर ना लिखिएगा आप, ठीक है। और इसके बाद आप आस्काई कोड आपने पढ़ा होगा या यूनिकोड पढ़ा होगा आपने आईटी टूल्स में, तो यहां पे देखिए 65, मैं दिखाता हूं आपको, जो 65 होता है उसका मतलब होता है ए, 66 का बी, 67 का सी, ऐसे करके ये होता है, ठीक है, यहां पर सी हो जाएगा। तो हमें यहां पर आस्काई कोड वो लिखना है, ठीक है, तो मैं यहां लिखता हूं 65, ठीक है, और प्लस करता हूं आई, यहां तक समझ में आ रही है बात, 65 प्लस आई, ये हमने कर दिया। इसके बाद ब्रैकेट को करना है क्लोज, ठीक है, अब क्या करना है आपको, ठीक है, और प्लस का निशान देने के बाद यहां पे लगाएंगे डबल इंटेड कोट्स या सिंगल इंटेड कोट्स भी लगा सकते हैं आप, गैप देंगे, एक बार गैप देना है हमें, क्योंकि हमें एक बार गैप को भी प्रिंट करवाना है। आप सिंगल इंटेड कोट्स भी लगा सकते हैं, यहाँ सिंगल इंटेड कोट्स लगा देते हैं हम, और सिंगल इंटेड कोट्स लगाने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आई से, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आई प्लस वन से, ठीक है, आई प्लस वन, ठीक है, इससे हमें करना है मल्टीप्लाई। और इसके बाद इस ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज, और अब क्या करना है, अब आपको यहाँ सिंपली करना है इसको सेव, यहाँ पर आइए इसको सेव कीजिए, मैं यहां सेव करता हूं पैटर्न डॉट पी वाई, डॉट पी वाई लगाना मत भूलिएगा, यहां पे डॉट पी वाई के नाम से हमने इसको सेव कर दिया है। अब क्या करना है, अब इसको रन करवाने की बारी है, तो आइए इसको रन करवा के देखते हैं ये काम करता है या नहीं। और यहां पे कैरेक्टर प्रिंट नोटेड कोड्स हमें ये ब्रैकेट लगाना होगा, ब्रैकेट लगाना भूल गया, तो अब ये हो गया है, अब इसको सेव करते हैं और यहाँ रन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पूछ रहा है इंटर नंबर ऑफ रोज, अगर हम 4 रोज इंटर करते हैं तो क्या होगा, यहाँ 4 टाइम प्रिंट होकर आएगा ए बी सी डी। ये होगा कैसे, देखिए होगा यूं, हमने यहाँ कोड में क्या लिखा है, मैं आपको कोड दिखाता हूँ एक बार, ये हमारा कोड है, ये आप कोड देख सकते हैं, 65 का मतलब होता है ए, ठीक है, सबसे पहले आई की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, आई की वैल्यू को, आई की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, अरे आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, तो आई की वैल्यू अगर 0 होगी तो 65 में ए जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सॉरी 65 में आई जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 0,
जीरो जोड़ेंगे यानी आई का मतलब जीरो है, तो 65 में जीरो जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 65 आएगा। यानी 65 को अगर बात करें हम यूनिकोड की, तो 65 यूनिकोड के हिसाब से क्या होगा, ए होगा, ठीक है। और ए को कितनी बार रिपीट करना है, अब यहां पे मल्टीप्लाई किया गया है तो उस हिसाब से ये रिपीट होता चला जाएगा। पहले एक बार होगा आई प्लस वन, जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन, यानी वन टाइम रिपीट होगा। फिर ये लूप आगे बढ़ेगा, फिर टू टाइम रिपीट होगा, फिर थ्री टाइम रिपीट होगा, जो भी होगा 65 के बाद से ये चेंज हो जाएगा। 65 प्लस आई, यानी आई पहले जीरो होगा, फिर आई वन होगा, तो अगर वन होगा तो क्या होगा, 66 हो जाएगा। फिर ये टू होगा, टू होगा तो क्या होगा, 67 हो जाएगा, 67 के बाद 68, ऐसे करके ये बढ़ता चला जाएगा। आइए एक बार और इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि इसका आउटपुट अगर हम यहाँ 8 लिखते हैं तो क्या आता है। यहाँ पे देखिए 8 टाइम, यानी जितने अल्फाबेट हैं वो सारे रिपीट होते जाएंगे। अगर आप इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करवाएं तो क्या होगा, देखिए मैं इसको फिर से रन करवाता हूँ, ये हमारा प्रोग्राम है, इसको रन करवाता हूँ मैं, इसको मैं 13 टाइम रिपीट कराता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे m तक प्रिंट होकर आ रहा है। तो इस तरीके से हम लूप प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे देखिए 13 टाइम ये प्रिंट होकर आ रहा है और ये ट्राइंगल पैटर्न है, ठीक है। एक बार स्पेस प्रिंट होगा, ठीक है, एक बार कैरेक्टर, फिर एक बार स्पेस, चूंकि मैंने एक बार स्पेस भी दिया था, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा कोड है, तो यहाँ पे देखिए एक बार स्पेस प्रिंट होगा, 65 प्लस आई यानी 65 प्लस जीरो इज इक्वल टू 65 यानी ए, ए के बाद एक बार प्रिंट हो जाएगा स्पेस, ठीक है। अब ये जैसे 66 होगा तो 66 का मतलब क्या हुआ, बी, तो ए के बाद एक गैप प्रिंट होगा, फिर बी प्रिंट होगा, ठीक है। फिर नीचे आएंगे तो फिर सी प्रिंट होगा और सी के बाद ए बी सी प्रिंट होगा और बीच बीच में एक एक गैप प्रिंट होता जाएगा। तो इस तरीके से हम ये पैटर्न बना सकते हैं। आई होप की बात समझ में आई होगी आपको। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।